हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ए पावर एन, बी पावर एन एंड सी पावर एम, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि एन की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू भी 0, जिसका मतलब है कि जो लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होगी वो केवल एप्सिलॉन होगी और हमें एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करना होगा। मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब केवल सी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। और अगर एम की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सी सी आएगा, ये भी मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर एम की वैल्यू 3 होगी तो ये ट्रिपल सी हो जाएगा, अगर एम की वैल्यू 0 नहीं होगा। मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू भी 1 है, इस केस में स्ट्रिंग होगी ए बी और सी। अगर एन की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू 1 है, तो स्ट्रिंग हमारी होगी डबल ए डबल बी सी। अगर एन की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू भी 2 है, सो दिस विल बी डबल ए डबल बी एंड डबल सी। इसका मीनिंग ये है कि ए की संख्या बी के इक्वल होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सी की संख्या भी उसी के इक्वल होगी। तो हम इस इन केसेस को ध्यान में रखते हुए एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ए का कंपेरिजन बी से होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड देन उसके बाद हम सी को कंसिडर करेंगे। तो एक टेप ले लेते हैं और एक टेप पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स से ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी एंड डबल सी, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। इसके बाद मान लेते हैं कि जो टेप है इसमें राइट हैंड साइड में ब्लैंक्स है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्लैंक्स है। मशीन डिजाइन करते हैं। मशीन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले Q0 स्टेट पे रहते हैं और जो पहला ए मुझे मिलता है इसको मैं लेट से एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहला ए जैसे मुझे मिला, मैं इसको एक्स में कन्वर्ट करके राइट की तरफ चलता हूँ। लेट से आई हैव मूव टू Q1 स्टेट। रास्ते में मुझे ए मिलेंगे, मैं इसको ए ही छोड़ के आगे की तरफ जाऊंगा। फिर ए मिला, मैं इसको ए ही छोड़ के आगे गया, मैं पहुंच गया हूँ पहले बी पे। इस पहले बी को हम वाई में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ऐसा हम लेफ्ट की तरफ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ए और बी को ही कंपेयर कराना है, सी को भी कंपेयर नहीं कराना है। तो करंट कंडीशन हमारी ये है कि हमने पहले बी को वाई में कन्वर्ट कर दिया है और अब हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लेफ्ट में मुझे ए मिला, मैं इस ए को ए ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर मुझे ए मिला, मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा इसको ए ही छोड़ते हुए। फिर अब मुझे एक्स मिल गया है और एक्स को एक्स छोड़ के अब हम राइट की तरफ जाएंगे। एक्स मिला, इसका मतलब राइट में एक्सपेक्टेड है कि ए मिल सकता है। तो मुझे एक्स को एक्स छोड़ के आगे राइट की तरफ जाना है और राइट में हमने देखा कि एक ए मुझे मिल गया। इस ए को अगेन मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा और राइट की तरफ जाऊंगा, मतलब मैं Q0 से Q1 स्टेट में जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे ए मिल रहा है, मैं इसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ चलूंगा, Q1 ही स्टेट में लूपिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद रास्ते में मुझे वाई मिला, इस वाई को मैं वाई ही छोड़ के और राइट की तरफ आगे जा रहा हूँ। अब मुझे मिल गया बी, इस बी को मुझे कैपिटल वाई में चेंज करना है, मैंने इसको कैपिटल वाई में चेंज कर दिया और लेफ्ट की तरफ चले। सो ए के करस्पॉन्डिंग मैंने बी फाइंड कर लिया, ए को एक्स में कन्वर्ट किया था, अब मैं वाई को बी को वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो मैं Q1 से Q2 स्टेट में मूव कर गया हूँ और अभी मैं पीछे आ गया हूँ लेफ्ट में। लेफ्ट में मुझे वाई मिले, मैं इसको वाई ही छोड़ के लेफ्ट में आगे चल रहा हूँ। एंड देन मुझे रास्ते में ए मिले, मैं इसको ए ही छोड़ के लेफ्ट चल रहा हूँ। अब मुझे एक्स मिल गया, एक्स को एक्स ही छोड़ते हुए मैं राइट की तरफ आगे जा रहा हूँ। तो ये सेम ट्रांजिशन जो हमने दिखाया था, एक्स को एक्स ही छोड़ के राइट की तरफ चल रहा हूँ। जैसे आपने एक्स को एक्स छोड़ा और राइट की तरफ गए, जो करंट कंडीशन आपकी है टेप में वो यहाँ पे है। ए आपको मिला, आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ए को आपने एक्स में कन्वर्ट किया और राइट में गए Q1 स्टेट में। यहाँ आपको वाई मिले, इसको वाई ही छोड़ के आगे जाना है, वाई को वाई छोड़ के आगे जाना है। जैसे बी मिला, आपको उसको कन्वर्ट करना है कैपिटल वाई में और लेफ्ट की तरफ मूव करना है। सो बी को कैपिटल वाई में चेंज करके लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप Q1 से Q2 स्टेट में जा रहे हैं। रास्ते में आपको वाई मिले, इसको वाई ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलिए। जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, आप उसको एक्स छोड़ के राइट की तरफ चलिए। अभी तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्स को एक्स में छोड़ के जब आप राइट की तरफ जाते थे
तो आपको ए मिलता था, लेकिन इस केस में वाई मिल गया। तो यहाँ पे वाई मिलने का ये मीनिंग है कि सारे एस फिनिश हो गए हैं, और अब हमें ये चेक करना है कि क्या इन एस के करस्पॉन्डिंग बी भी उतने ही थे क्या। तो इसलिए आपको वाई मिला, उसको वाई छोड़ के राइट की तरफ जाइए, लेट से आप दूसरी स्टेट में हैं। इसके बाद आपको वाई और मिलेंगे, उसको वाई ही छोड़ के राइट जाइए। अगर स्ट्रिंग में ए पावर एन और बी पावर एन है, इसका मतलब ए और बी की संख्या सेम है, तो मुझे वाई के बाद बीज नहीं मिलेंगे। तो वाई के बाद हो सकता है कि सी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि सी मिले ही, लेकिन सी मिल सकते हैं। तो अभी हम एक मान लेते हैं कि मुझे एक सी मिला और मैंने इसको सी ही छोड़ दिया और राइट की तरफ गया, क्योंकि सी की संख्या कितनी भी हो सकती है। लेट से आप यू फोर स्टेट में हैं, ये मेरा स्टेट है, सी से हम यहाँ पहुंचे हैं। हो सकता है कि इसके बाद और सी मिले, आप उसको भी छोड़ के राइट की तरफ जाइए। तो जितने भी सीज आपको मिले उसको छोड़ के राइट की तरफ जाइए, लास्ट में आपको ब्लैंक मिल जाएगा, और जैसे ब्लैंक आपको मिलेगा आप उसको ब्लैंक छोड़ के राइट में जाएंगे, और आप कहेंगे कि लेट से आप एक फाइनल स्टेट में पहुंच गए। मान लीजिए कि हमें सी नहीं मिले, केवल ए पावर एन और बी पावर एन ही मिले, तो ये तो हम क्यू थ्री स्टेट में हैं। क्यू थ्री स्टेट में सारे वाइस को आप छोड़ के राइट की तरफ जाएंगे और कोई सी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टेप पे ब्लैंक मिलेगा। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के आप राइट की तरफ जा सकते हैं। लेट से आप क्यू सिक्स स्टेट में पहुंचते हैं, और क्यू सिक्स स्टेट इस केस में फाइनल स्टेट होगा। एक बार फिर से इस केस को देख लेते हैं कि टेप पे ए ए है, बी बी है, और इसके बाद ब्लैंक है। तो हर ए के करस्पॉन्डिंग बी हमने मैचिंग पहले से ही करा लिया एक्स वाई के कन्वर्जन से। इसके बाद मुझे दिखता है कि राइट हैंड साइड में, मतलब कि बीस के बाद या वाईस के बाद, हमने इसको एक्स, इसको एक्स, इसको वाई, और इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया है। सारे वाई के कन्वर्जन के बाद आपको ब्लैंक दिखता है, इसका मतलब सीज नहीं होंगे। तो ये एक्सेप्टेड है क्योंकि एम की वैल्यू जीरो हो सकती है ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन में। फाइन, आपको पता होगा या आपको याद होगा कि हम किसके लिए बना रहे हैं, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, वेर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फाइन, मान लीजिए कि एन की वैल्यू जीरो है और मेरे स्ट्रिंग में केवल सीज है। तो अगर केवल सीज है तो ये जो क्यू जीरो स्टेट है वो सी के साथ, सी को सी छोड़ते हुए राइट की तरफ मूव करेगा। लेट से क्यू सेवन स्टेट में है, रास्ते में जितने भी सी मिलेंगे उनको तो आप सी ही छोड़ते हुए राइट की तरफ जाएंगे। तो टेप पे आपके केवल सी हैं, ए भी नहीं है। तो लेट से आपके पास तीन सी हैं, तो तीन सी के बाद आपको ब्लैंक मिलेगा। तो जैसे आपको ब्लैंक मिलेगा उसको ब्लैंक ही छोड़ते हुए राइट की तरफ जाइएगा, और लेट से आप क्यू एट स्टेट पर पहुंच गए, और ये मेरा फाइनल स्टेट होगा। फाइन, स्टार्टिंग में हम, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में केवल एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो अगर केवल एप्सिलॉन है तो जो टेप हमारा होगा उस टेप में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, केवल ब्लैंक्स होंगे। तो टेप में केवल ब्लैंक्स होंगे और यही मेरा पॉइंटर होगा। तो जब क्यू जीरो स्टेट में आप हैं और आपको केवल ब्लैंक मिला, तो ब्लैंक ब्लैंक पे आप राइट की तरफ मूव कीजिए, और लेट से आप क्यू नाइन स्टेट में मूव कर रहे हैं, और क्यू नाइन स्टेट आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार फाइनल स्टेट्स हैं। क्यू फाइव फाइनल स्टेट है, क्यू सिक्स फाइनल स्टेट है, क्यू एट फाइनल स्टेट है, और क्यू नाइन भी फाइनल स्टेट है। सो दीज ऑल आर द फाइनल स्टेट्स इन दिस ट्यूरिंग मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।